अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एसिडिक फ्रूट्स के साथ ना लें, मोटापे को बचाता है। जूस नहीं लेना, फल खाना है, इसके जो बीज है वो उसके साथ आप खाएं। इतने लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इस फल ने आना है, अल्लाह ताला की तो कितनी बड़ी नेमत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आइए लड़ाप देखें। हमारी वह आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा बासी क्लिनिक में, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे कि एक अनार 100 बीमारी, कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन अनार क्योंकि एक मौसमी फल है और इसको खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इससे किन लोगों को नुकसान हो सकता है, कि यानी कि जो लोग इसको खाएं उनको शायद ये नुकसान दे, और इसको खाने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं आपको ये हमें बताएंगी डॉक्टर आयशा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अनार जो है मौसमी फल है, आएगा तो लोग खाएंगे, बिल्कुल। तो जब खाएंगे तो उनमें से किन लोगों को फायदा होगा और हो सकता है कि शायद किसी को नुकसान भी हो, तो इसके फायदे क्या हैं पहले तो आप ये बता दें। फायदे ही फायदे हैं जी, और ये तो कहावत की बात है, विटामिन सी है, पोटेशियम है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, मोटापे को बचाता है और डायबिटीज 2 को बचाता है, तो बेतहाशा इसके फायदे हैं। और दूसरी बात ये कि इसके जो बीज हैं वो उसके साथ आप खाएं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, जब आपको फाइबर जाएगा आपकी कब्ज जो है वो दूर होगी। और इसको खाने का तो सबसे अच्छा तरीका और भी अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप सैलड्स बनाएं और सैलड्स के बीच में आप अनार को डालें, अनार को कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके और उसमें जो है थोड़ा सा पिंच दालचीनी डाल के, उससे क्या महसूस आपका होता है, और काली मिर्च कि आपको जो उसकी वो खटास होती है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये वाली बात कि जी खटास होगी और गला खराब हो जाएगा वो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो फायदे तो आप हासिल कर लेंगे। और मेजर कैंसर्स आप देखिए कि प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, लंग का कैंसर है, 4 मेजर कैंसर्स जो हैं उसके इफेक्ट्स जो हैं ये इतने मिनिमाइज करता है। अच्छा, तो और हाँ, तो और आपको क्या चाहिए, मतलब एक चीज़ आपको इतनी चीज़ों से बचा रही है, इतनी बीमारियों से बचा रही है और इतने लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इस फल ने आना है, तो अल्लाह ताला की तो कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो इसको डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि कोकोनट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं? ये जैसे मैंने आपको ये तो पूरी रेसिपी ही शेयर की है ना, एक काइंड ऑफ स्मूदी बन गई, मैंने एक सैलड वाली बात भी आपके साथ शेयर की है। आधे के अंदर जो उसकी कैलोरीज है ना, देयर अराउंड अबाउट 70-72, ओके ठीक है। एक पूरे ग्लास जूस के अंदर द कैलोरीज आर अराउंड अबाउट 262, अच्छा ठीक है। 50 ग्राम शुगर ये अपने अंदर कैरी भी तो करता है ना, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन के अंदर बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि हम डायबिटीज से बचने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कि भूख लगी तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, आई एम हैविंग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, तो आई नॉट हैव अ पिज्जा, आई नॉट हैव अ समोसा, लेकिन मैं अनार की एक प्याली पेट भर के खा लूँ। जो डाइटिशियंस होते हैं डायबिटिक लोगों को ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि आपका वजन ज्यादा है, हमने आपको बचाना है, तो हमने आपको ऑप्शंस दे दिए कि तुम अनार खा लो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आप ये भी तो देखिए ना कि इसके अंदर शुगर भी तो मौजूद है, वो आपके शुगर लेवल्स बढ़ा सकती है, तो जूस नहीं लेना, फल खाना है, फल ये हमेशा हमारी आवाज होती है कि आपने जूस नहीं लेना, फल खाना है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अनार खाने से किन लोगों को, जैसे डायबिटिक एक हो गए, और किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है? जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है, यस, द पीपल हु आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, वो इसको इस तरीके से लें कि या तो वो सैलड्स के साथ मिक्स करके ले लें, या ये है कि वो प्री वर्कआउट थोड़ा सा इसको कम क्वांटिटी के अंदर ले लें, या मैं आपको एक दूसरी बात शेयर करूं कि इसको एसिडिक फ्रूट्स के साथ ना लें, ठीक है? अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एसिडिक फ्रूट्स के साथ ना लें। अब आप अनार को स्ट्रॉबेरीज के साथ ले रहे हैं, वो भी एक एसिडिटी के उसमें आता है, खटास वाले, अनार को ही आप ग्रेप फ्रूट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन और वर्सन हो जाएगी, डोंट डू दैट, ठीक है? अनार को आप थोड़ा सा ले लें और इसी तरह से स्मूदी बना के ले लें, या उस पर आपने पिंच ऑफ सॉल्ट या ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करके ले लिया, ये कर लें। जो लोग बहुत ज़्यादा सीड्स का अगर इस्तेमाल कर लेंगे कि जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो रही है, फाइबर भी मिल रहा है, तो दैट कैन लीड अप टू इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो बहुत ज़्यादा भी सीड्स का इस्तेमाल ना करें। ज्यादती तो हर चीज की जो हाँ डेंजरस होती है, तो है। इस चीज का आपको ख्याल करना है। अनार हमने खा लिया, और ये जो अफवाह है या मिथ है, लोग कहते हैं कि भाई अनार खाने से गला जो है फौरन पकड़ा जाता है, बच्चों का फौरन पकड़ा जाता है, तो ये इससे बचने का क्या हल है? यही है नमक और काली मिर्ची डालने है, क्या करें? बेहतरीन तरीका इससे बचने का ये है कि आप इसका इस्तेमाल दिन के टाइम में करें,
है, दिन में करें, ठीक है। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, दिन के टाइम पे करें, ये इसका बहुत अच्छा आंसर है। और दूसरी बात ये है कि आप इसका इस्तेमाल जिस तरीके से मैंने बताया आपके सैलड और इसके इस्तेमाल के साथ करें, लेकिन इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, आपके वजन को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो सिर्फ ये चीज़ कि आपका गला ख़राब करेगा, नो दैट्स रॉन्ग। आप इसका इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम में करें और ड्यूरिंग द मील नहीं करें, बिटवीन द मील्स करें, लाइक आपने ब्रेकफास्ट किया है और लंच है तो इसके दौरान का जो आपका टाइम है उसमें एज अ स्नैक आप इसको यूज़ करें तो कभी भी आपका गला ख़राब नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अनार के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और जितने मिथ्स हैं मेरा ख्याल है लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए यही वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग अनार खाना चाहते हैं या उनको अनार पसंद है उनके लिए बहुत मज़ेदार सी वीडियो होगी, और जिन लोगों को अनार नहीं पसंद उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगी। इसी के साथ मुझे जान लीजिए, लेकिन जानने से पहले आप डॉक्टर आयशा की अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर प्लाजा दो तलवार पर फर्स्ट फ्लोर पर ले सकते हैं, और अल खलीज टावर जो कि बहादराबाद पे वहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे भी इनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।